प्रथमं नैमिषं पुण्यं चक्रतीर्थ च पुष्करम् अन्येषां चैव तीर्थानां संख्या नास्ति महीतले। भारत अपनी धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, और इन धरोहरों में ऐसा संयोजन जहां त्रेता और सतयुग एक साथ ही परिलक्षित होते हो, दुर्लभ ही कहा जाएगा। नैमिषारण्य, जी हां, उत्तर प्रदेश में लखनऊ से महज 80 किलोमीटर दूर सीतापुर जनपद में गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित नैमिषारण्य। जहां दुनिया के समस्त तीर्थों का पुण्य फल एक बार जाने मात्र से ही मिल जाता है। नैमिषारण्य का ये पवित्र चक्र तीर्थ स्थल, जहां दूर दूर से श्रद्धालु स्नान और इसकी परिक्रमा करने आते हैं। चक्र तीर्थ के बारे में कहा जाता है कि ऋषियों को तपस्या हेतु शांत और सौम्य स्थल तक पहुंचाने के लिए ब्रह्मा जी ने एक चक्र उत्पन्न किया, जो इसी जगह आकर धरती में समा गया। तब से श्रद्धालुओं के लिए ये पवित्र स्थान चक्र तीर्थ के नाम से सुविख्यात है। पुराणों के अनुसार महादेव द्वारा माता सती के पार्थिव शरीर को ले जाते समय श्री विष्णु जी के सुदर्शन से जब सती के अंग कटे तो नैमिष में भी अंग गिरा। तब से ये तीर्थ लिंग धारिणी ललिता देवी शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। पावन गोमती नदी के इस किनारे पर श्री रामचंद्र जी के दशम अश्वमेघ यज्ञ की स्मृति को ताजा करता है। ये दशाश्वमेघ घाट, जिसकी पावन स्मृति में यहाँ श्री राम जानकी का अति प्राचीन मंदिर स्थापित है। हनुमान गढ़ी, जहाँ दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। इसी पवित्र स्थान से पवन पुत्र ने अहि रावण से श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराकर लंका की ओर प्रस्थान किया था। यहाँ का ये पांडव किला महाभारत कालीन है, जहाँ श्री कृष्ण और द्रौपदी समेत पांचों पांडवों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा और प्राचीन शिक्षा व्यवस्था नैमिषारण्य के स्वामी नारदानंद सरस्वती आध्यात्म विद्यापीठ में आज भी देखी जा सकती है। और अब दर्शन कीजिए विश्व के एकमात्र पुराण मंदिर का, जिसे श्री माँ आनंदमयी आश्रम के नाम से जाना जाता है। यहाँ 18 पुराण और चारों वेदों की प्राचीन प्रतिलिपियों को संभाल कर रखा गया है। गौड़िया मठ, जो चैतन्य महाप्रभु परमहंस जी की स्मृति को ताजा करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी व्यास गद्दी स्थल पर महर्षि वेदव्यास जी ने वेद और पुराणों की रचना कर जैमिनी ऋषि और शिष्यों को उपदेश दिया था। अष्टकोणीय यज्ञ स्थल समेत 84 कोसी परिक्रमा, कहते हैं इस परिक्रमा को पूर्ण करने से समस्त तीर्थों के सुफल की प्राप्ति होती है। मिश्रक के इस पवित्र दधीची कुंड में समस्त तीर्थों का जल मिश्रित है, इसी कारण इस स्थल को मिश्रक कहा गया। यहाँ स्नान करने मात्र से समस्त तीर्थों के पुण्य की प्राप्ति होती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता माता इस स्थल पर पृथ्वी की गोद में समा गई थी। आज सीता कुंड नाम का ये पवित्र स्थल हमें माता सीता की याद दिलाता है। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के चलते पूरी दुनिया में जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर होने वाले विशाल यज्ञ,
अनुष्ठान आदि में शामिल होने आते हैं। आप अगर आध्यात्म और शांति को जानना और जीना चाहते हैं तो निश्चित ही यहाँ पर एक बार अवश्य आना चाहेंगे।